लोन दिलाने के नाम पर अमेरिकी लोगों से लाखों की ठगी। पुलिस कमिश्नर कानपुर की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। ये कॉल सेंटर नौबस्ता थाना क्षेत्र के एक घर में चल रहा था। यह गिरोह वोएफ कॉल द्वारा अमेरिकी नागरिकों को फंसाते थे। यह लोग अमेरिका की लोन कंपनियों के नाम से बना रखते थे फॉर्म के फॉर्मेट। क्राइम ब्रांच ने काकादेव के बाद यह दूसरा कॉल सेंटर का खुलासा किया गया है। इसमें दो मैन लोग पकड़े गए हैं और बाकी लोगों की तलाश जारी है। इनके पास से लैपटॉप मिला है जिसमें 2 लाख अमेरिकी लोगों का डाटा मिला है, जिससे लाखों का लेन देन हुआ है। और यह दोनों अभियुक्त अमेरिकन अंग्रेजी बोलने में माहिर है और पेमेंट कराने में कुछ अमेरिकी एजेंट का भी नाम खुलकर सामने आया है, जिसका खुलासा जल्दी ही किया जाएगा। उज्ज्वल चतुर्वेदी की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से। एक थाना नौबस्ता में कंचीपुरम एरिया में एक मकान में कॉल सेंटर चल रहा था, जो कि यूएस सिटीजन से लोन के नाम पे, होम लोन और पर्सनल लोन के नाम पे ठगी करते थे। वो एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है, जिसमें मेन जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम रवि शुक्ला है और दूसरे विशाल सिंह है। ये दोनों इस फर्जी कॉल सेंटर को चला रहे थे। इसमें जो यूएस सिटीजन्स थे, इनके साथ ये फ्रॉड करते थे, उनको कॉल करवाते थे। यहाँ पे जो भी बंदा कॉल सेंटर से कॉल करता है, उसको चेजर बोलते हैं। जितनी भी कॉल्स होती थी वो VoIP कॉल्स होती थी, इंटरनेट के माध्यम से वो कॉल की जाती थी। इसमें कुछ मोबाइल ऐप भी हैं और सिस्टम में भी डायलर्स होते हैं, जैसे कि ओमो डायल है, X10 है, X-Lite है। इसके माध्यम से ये यूएस सिटीजन को कॉल करते थे और फिर उनको लोन के नाम पे ढांचा देते थे। इनके पास एक रिटर्न स्क्रिप्ट होती थी, जिसकी ट्रेनिंग जो कॉलर्स होते थे उनको दी जाती थी कि आपको इस सेक्शन में बोलना है और ऐसे करके इन यूएस सिटीजन्स को फंसाना है। उसके बाद जब अपना जो यूएस सिटीजन कन्विंस हो जाता था, तो उसको प्रोसेसिंग फीस के नाम पे डॉलर्स में पेमेंट लेते थे। जो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे पैसे लिए जाते थे, वो $300 से $800 तक ये चार्ज करते थे। जब प्रोसेसिंग फीस के नाम पे इनको पैसा मिल जाता था, फिर ये उनको फाइल क्लोज करने के नाम पे भी फीस लेते थे। लोन के इंश्योरेंस के नाम पे भी कुछ फीस उनसे लेते थे। कुछ फीस ये जो 2% जो फाइल क्लोज करने के नाम के लेने के बाद, अगर ये सारे प्रोसेस में वो पैसे जमा करता रहता था तो इनको पेमेंट आती रहती थी। अगर उसको ये शक होता था कि ये मेरे साथ किसी तरह का फ्रॉड हो रहा है, तो वो जितनी पेमेंट कर देता था, उसके बाद उसके नंबर को ये ब्लॉक कर देता था। कुछ लोग इनको जब कॉल करते थे और ये कहते थे कि सर हमारा, हमें लोन नहीं लेना है, हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो कैंसिल